नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले तीन शेयर के बारे में दोस्तों, जिनमें FII जो है अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ाती हुई नज़र आ रही है। वजह क्या है? हो सकता है कि ये फ्यूचर के मल्टीबैगर हो और हो सकता है अच्छा खासा कुछ ही टाइम बाद जो है प्रॉफिट इन तीनों शेयर में देखने को मिल सकता है। तो फ्यूचर की प्रेडिक्शन की अगर बात करें तो जो FII है उनके पास ज़्यादा डाटा होता है किसी भी कंपनी के बारे में, तो हो सकता है ये कंपनी जो है फ्यूचर की मल्टीबैगर हो और अच्छा खासा जो है फ्यूचर में अपने को जो है प्रॉफिट बना करके दे। तो तीन शेयर कौन से है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, आप अगर नए हैं तो हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो पहले शेयर की तरफ मैं लेकर चलता हूँ। तो पहला जो शेयर है दोस्तों वो है प्रिंस पाइप एंड फिटिंग। इसमें अगर देखोगे तो FII ने अपनी होल्डिंग जो है लगातार बढ़ाती है, और यदि बात करें तो पाइप सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट लीडर की अगर बात करें तो एस्ट्रल पोली है। इसी के साथ अगर दूसरी बात करें तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग जो कंपनी है और स्मॉल कैप है वो है प्रिंस पाइप एंड फिटिंग। लगातार इसकी जो होल्डिंग है FII की बढ़ती हुई मिलेगी। यदि पॉजिटिव पॉइंट की अगर बात करें तो इसके जो प्रॉफिट जो ग्रो हो रहे हैं वो 49% की कंपाउंडिंग के साथ जो है ग्रो हो रहे हैं लास्ट 5 साल से। इस कंपनी के ऊपर जो है कर्ज देखने को नहीं मिलेगा, 1 रुपये का भी कर्ज इस कंपनी के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। यदि बात करें कौनस की नेगेटिव पॉइंट की तो इस कंपनी का जो एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। आने वाले टाइम की अगर बात करें तो मेरे पास भी होल्डिंग है तो अच्छा खासा जो है ये कंपनी कर सकती है, क्योंकि हमसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन होती है वो FII के पास होती है। अब मैं दिखाता हूँ इसका जो डाटा है दोस्तों, नेट प्रॉफिट वो दिखाता हूँ मैं आपको। 2018 से लेकर के 2021 की बात करेंगे तो 2018 में जो है 73 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ, उसके बाद जो है 2019 में 82 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ, उसके बाद 113 करोड़ का, और 2021 की बात करें तो 222 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। लगातार जो है प्रॉफिट इसके ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी के मुकाबले में यदि सेल्स देखोगे तो इस कंपनी की सेल लगातार बढ़ती हुई मिलेगी, 1300 करोड़, उसके बाद 1500 करोड़, उसके बाद 1600 करोड़, और 2021 में जो है 2000 करोड़ की नेट सेल हुई है। इसके प्रोडक्ट की अगर बात करें तो एस्ट्रल पॉली से इसके जो प्रोडक्ट है वो कम प्राइस में मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ जो है प्रोडक्ट की बात करें तो पाइप फिटिंग का हर सामान इनकी कंपनी का मिलेगा, प्रिंस पाइप का। और यदि बात करें एस्ट्रल पॉली से जो है कम प्राइस में देखने को मिलेगा। आने वाले टाइम की अगर बात करें तो अच्छा खासा जो है ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो को ग्रोथ दे सकता है, और आप ये जो है फ्यूचर का मल्टीबैगर भी हो सकता है। यदि बात करें कंपाउंडिंग की तो 1 साल की जो कंपाउंडिंग है वो 130% की कंपाउंडिंग के साथ जो है ये स्टॉक ग्रो कर रहा है। यदि बात करें मेरे पोर्टफोलियो की तो ये स्टॉक जो है मेरे पोर्टफोलियो में भी है। यदि रिजर्व की बात करोगे, कंपनी के पास सेविंग में कितने पैसे हैं उसकी बात करें तो 1005 करोड़ के इसके पास जो है रिजर्व में पैसे है। इसी के मुकाबले में कर्ज जो है 161 करोड़ का है। इसका जो डेट फ्री कंपनी क्यों है? क्योंकि इसके पास जो है रिजर्व में पैसे बहुत सारे 1005 करोड़ के रिजर्व में पैसे है। इसी वजह से जो है 161 करोड़ जो कर्ज है वो कभी भी चुका सकती है ये कंपनी, इतने जो है रिजर्व है इस कंपनी के पास। इसी के मुकाबले में देखिए प्रमोटर की होल्डिंग क्या है, तो 62% की जो है प्रमोटर की होल्डिंग है, जो कि टोटली 75% होती है। इसके लगातार प्रॉफिट जो ग्रो कर रहे हैं इस वजह से आने वाले टाइम में जो है 75% की टोटल जो होल्डिंग होती है प्रमोटर की वो इस कंपनी के पास देखने को मिलेगी दोस्तों। इसी के साथ साथ जो FII की होल्डिंग जो है लगातार बढ़ती हुई मिलेगी। देखिए मार्च 2021 के क्वार्टर की बात करें तो 2.43% की जो है होल्डिंग थी, उसके बाद 3% की होल्डिंग हुई, उसके बाद 3.6% की होल्डिंग हुई, और दिसंबर 2021 की बात करें तो 4.84% की FII की होल्डिंग हुई प्रिंस पाइप एंड फिटिंग में। तो मुझे बहुत अच्छा ये शेयर लगता है, और आने वाले टाइम की अगर बात करें तो अच्छा खासा जो है ये कंपनी कर सकती है। नेक्स्ट शेयर जो है दोस्तों वो है रोजारी बायोटेक। केमिकल सेक्टर का मार्केट में जो है दिग्गज और धूम मचाने वाला शेयर है। इसकी अगर बात करें तो मार्केट में काफ़ी डिमांड है इस शेयर की, और यदि बात करें तो एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट जो है ये कंपनी बनाती है, और दूसरे भी कुछ है पर्सनल केयर, परफॉर्मेंस केमिकल और टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल, ऐसे कुछ प्रोडक्ट बनाती है। इसकी रिसर्च लैब की बात करें तो IIT बॉम्बे में जो है इनकी रिसर्च लेबोरेटरी है। इसी के मुकाबले में इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की आप बात करते हैं
तो प्रॉफिट जो ग्रो कर रहे हैं इस कंपनी के वो 87% की कंपाउंडिंग के साथ लास्ट 5 साल से ग्रो कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बढ़िया और पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए कि प्रॉफिट जो है लगातार ग्रो कर रहे हैं। यदि इसी के मुकाबले में आप जो है इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट चेक करोगे दोस्तों, तो प्रॉफिट जो है लगातार बढ़ते हुए मिलेंगे। 2017 से 2021 के यदि नेट प्रॉफिट देखोगे तो 2017 में 16 करोड़, उसके बाद 29 करोड़, उसके बाद 46 करोड़, उसके बाद 66 करोड़ और उसके बाद 79 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट की बात करें तो लगातार ग्रोथ होते हुए प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में देखने को मिलेगी। इसी के मुकाबले में सेल्स की अगर बात करें तो जो है 2017 में 33 करोड़ की सेल हुई, उसके बाद 292 करोड़ की, उसके बाद 516 करोड़, उसके बाद 600, उसके बाद 690, तो सेल भी लगातार बढ़ती हुई मिलेगी। यदि किसी कंपनी की पॉजिटिव बात कौन सी होती है, पॉजिटिव पॉइंट कौन से होता है दोस्तों, कि उस कंपनी के जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर बेसिस पे सेल्स जो बिकवाली होती है वो लगातार बढ़ती रहती है, इसी के साथ साथ जो नेट प्रॉफिट है वो भी लगातार ग्रोथ होता है, तो ये कंपनी के जो है पॉजिटिव पॉइंट हो जाते हैं दोस्तों। इसी के मुकाबले में यदि आप देखोगे तो कंपाउंडिंग की अगर बात करें तो एक साल की जो कंपाउंडिंग है रोजारी बायोटेक की वो 35% की कंपाउंडिंग के साथ जो है ये कंपनी ग्रो कर रही है। इसी के मुकाबले में एक और देखते हैं कि रिजर्व जो है 738 करोड़ की इस कंपनी के पास जो है रिजर्व में पैसे है, सेविंग में पैसे है, और कर्ज जो है एक रुपये का भी इस कंपनी के पास कर्ज नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। तो रोजारी बायोटेक भी उसमें से एक कंपनी है। प्रमोटर की होल्डिंग की अगर बात करें तो 68% की प्रमोटर की होल्डिंग है, जो कि 75% होनी चाहिए, तो प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं, तो आने वाले टाइम में जो प्रमोटर की टोटली होल्डिंग इस कंपनी के पास देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। FIA की आप होल्डिंग देखोगे तो लगातार बढ़ती हुई मिलेगी। यदि क्वार्टरली की बात करें तो पहले 7% की होल्डिंग, फिर 7.82% की, फिर 8% की, फिर 9% के आसपास की जो है होल्डिंग ये FIA ने बढ़ा दी है अपनी होल्डिंग इस कंपनी में क्वार्टरली। यदि आप देखेंगे तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, केमिकल सेक्टर की दिग्गज कंपनी है ये, और आने वाले टाइम की अगर बात करें स्मॉल कैप जो है फिलहाल, लेकिन आने वाले टाइम में जो है मल्टी वैगर कंपनी ये बन सकती है दोस्तों। नेक्स्ट जो कंपनी है दोस्तों वह है, वो है यासो इंडस्ट्रीज़। यदि बात करें तो ये अलग अलग टाइप के जो है केमिकल बनाती है दोस्तों। यदि केमिकल की बात करें तो फूड एंटीऑक्सीडेंट बनाती है ये कंपनी यासो इंडस्ट्री। अरोमा जो कि परफ्यूम वगैरह में यूज होते हैं वो बनाती है। रबर के केमिकल बनाती है। लुब्रिकेंट एडिटिव्स बनाती है ये कंपनी। तो यदि इसकी दूसरी प्लस बात करें, पॉजिटिव पॉइंट बात करें, तो इसका जो बिजनेस है यूरोप में है, ठीक है, अमेरिका में है, और मिडल ईस्ट और एशिया में है दोस्तों, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि फॉरेन में भी ये कंपनी जो है ग्रोथ दिखा रही है, प्रॉफिट लगातार बढ़ते हुए मिल रहे हैं विदेशों में भी। इसी के साथ साथ यदि बात करें पॉजिटिव पॉइंट की तो इसके जो क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 28% की रिटर्न ऑन इक्विटी है। इसमें एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलेगा कि इसकी होल्डिंग जो है प्रमोटर की होल्डिंग वो कम हुई है 3% के आसपास की। यदि इसके दूसरे रिजल्ट की बात करें तो यदि आप देखोगे 2017 से 2018 19 20 21 के रिजल्ट, तो लगातार जो है प्रॉफिट ग्रोथ होते हुए मिलेगा। 2017 में 4 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 8 करोड़, उसके बाद 12 करोड़, उसके बाद 12 करोड़, फिर जो है मार्च यदि 2021 की बात करें तो 21 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट में जो है लगातार जो है बढ़ रहा है इनका प्रॉफिट। सेल्स की अगर बात करें तो 95 करोड़ का, उसके बाद 250 करोड़ का, 340 करोड़ की सेल, उसके बाद 297 करोड़ की, तो लगभग जो है सेल भी लगातार बढ़ती हुई मिलेगी। 2020 में जो है एक बार थोड़ी सी कम हुई है सेल इनकी, लेकिन प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिलेगी लगातार। यदि CAGR की बात करें, कंपाउंडिंग की बात करें, तो एक साल में 822% की कंपाउंडिंग, 3 साल में 139% की कंपाउंडिंग के साथ जो है ये शेयर ग्रोथ कर रहा है। बैलेंस शीट की अगर बात करें तो इसके पास जो रिजर्व में पैसा है दोस्तों वो अच्छा खासा पैसा है, 92 करोड़ का पैसा है, और यदि बात करें कर्ज की तो 170 जो है करोड़ का कर्ज है इस कंपनी के ऊपर, जो कि यदि किसी भी कंपनी के जो है लगातार प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो रिजर्व भी बढ़ते हुए मिलेंगे। और बोरिंग की बात करें तो आने वाले कुछ टाइम बाद जो है यासो इंडस्ट्री में जो है कर्ज की बात करें तो कम होते हुए दिखाई देगा आने वाले कुछ टाइम के बाद। इसी के मुकाबले में यदि शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो दोस्तों वो 70% की है। FIA ने जो है इसमें जो है अपनी होल्डिंग बना ली है दोस्तों क्वार्टरली। यदि सितंबर 2021 की बात करें तो 0.16, उसके बाद दिसंबर 0.24% की जो है अपनी होल्डिंग बना ली है
FIA ने। तो आने वाले टाइम की अगर बात करें तो तीनों ये जो शेयर है दोस्तों, इतने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है, अच्छा खासा जो बिजनेस ग्रो कर रहा है तीनों कंपनियों का आने वाले टाइम में, जो फ्यूचर के मल्टीबैगर ये तीनों कंपनियां जो हो सकती है। फिलहाल जो स्मॉल कैप है, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे इनके जो प्रॉफिट ग्रो करेंगे तो लार्ज कैप बनते हुए भी देर नहीं लगेगी। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपकी होल्डिंग किस शेयर में जरूर बताइएगा दोस्तों, और हमारा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।